नमस्ते अंजलि जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ अंजलि जी, आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया, बस चाहते हैं कि जल्दी से कोरोना खत्म हो जाए। हाँ जी बिल्कुल, हमारी सबकी यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये वायरस जो है वो इरेडिकेट हो जाए पूरे वर्ल्ड से, दोबारा सब नॉर्मली सर जी पाए जिंदगी। हाँ जी यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको सर आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। ठीक है, हमारे जो स्क्रीन पे हैं वो है हमारे अंकित बत्रा सर, हु इज अ रिनाउंड न्यूमरोलॉजिस्ट एंड ही इज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ही इज एक्टिव ऑन यूट्यूब। एंड इन्होंने, आप सबको बताना चाहती हूँ कि इन्होंने कई लोगों की जिंदगी चेंज की है, इवन खुद की। इनफैक्ट आपको ये जान के हैरानी होगी या बोल सकते हैं कि आश्चर्य होगा कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं एंड ही स्विचेस हिज जॉब फ्रॉम बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू अ न्यूमरोलॉजिस्ट। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सर मैं थैंक यू। जानना चाहूंगी आपसे कि आपने ये फील्ड क्यों चुनी, मतलब ऐसा क्या है न्यूमरोलॉजी में? जैसे कि बहुत लोगों को पता नहीं है न्यूमरोलॉजी होती क्या है, मुझे भी नहीं पता थी। मैंने आपके कई सेशंस देखे, आपको मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया और मैंने मैंने बहुत लोगों को देखा कि वो आपसे रेमेडीज लेके खुश हैं, आपने इतने सारे रिव्यूज पोस्ट किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगी कि आपकी न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कहाँ से शुरू हुई? हाँ जी, देखिए बेसिकली क्या होता है कि आसपास हर जगह नंबर्स हैं, आप किधर भी जाओ, आपके घर के बाहर या कोई डेट पे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आप वो चीज डेफिनेटली एक नंबर से एसोसिएटेड है। हर एक चीज हमारे आसपास की जो है वो नंबर से एसोसिएटेड है। एंड जब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट्स की तो लोग इतना रिलेट नहीं कर पाते क्योंकि वो उनसे दूर है, बट जब नंबर्स की बात की जाती है तो लोग नंबर से रिलेट कर पाते हैं क्योंकि नंबर्स हर तरफ उनके चारों तरफ सराउंडेड है। इवन पहले उन्होंने मैथमेटिक्स में नंबर पढ़े, फिर उन्होंने आसपास हर जगह नंबर देखे, तो ये लोग नंबर से इस तरह से एसोसिएटेड है कि नंबर से ज्यादा रिलेट किया जा सकता है। तो इसलिए जो नंबर्स हैं वो उनको जब आप डिकोड करना सीख जाते हो, जैसे कि मान लीजिए 9 नंबर है, 9 का उल्टा 6 नंबर है। अब किसी का बर्थ नंबर जी और डेस्टिनी नंबर अगर 9 और 6 हो जाए तो उसकी लाइफ में बहुत उछाल ले आता है क्योंकि 9 6 का जो है वो जी उल्टा नंबर है। तो बेसिकली अगर आप डीकोड करना सीख जाओ नंबर को तो वर्ल्ड में आप हर चीज जो है वो बेसिकली डीकोड कर पाओगे। इसको अंक शास्त्र भी बोलते हैं। तो अंक शास्त्र की मदद से आप हर वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी से कर सकते हैं। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी एक मदर साइंस है, बट न्यूमरोलॉजी जो है वो यूनिवर्सली बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है। हाँ जी अच्छा सर। और सर हमने देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, सेलिब्रिटीज हो गए, वो अपने नंबर से जाने जाते हैं। लाइक धोनी सर, धोनी एक क्रिकेटर हैं जो कि अपनी 7 नंबर की जर्सी जाने जाते हैं एंड इट इज हिज वी कैन से उनका लकी नंबर है। ऑल तो पहले चीजें होती थी, लकी नंबर, लकी कलर, लकी ड्रेस, लकी लकी वी हैव मेनी मेनी थिंग्स ऑफ लकी, बट नंबर जो है बहुत बाद में इंट्रोड्यूस होता है कि लकी नंबर भी कुछ होता है। तो इंसान को कैसे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर नंबर उसका लकी नंबर है? देखिए, आप बेसिकली जैसे मैं हूँ है ना, या आप हैं, तो आपका जो पूरी क्लास है उसमें करीबन करीबन हो सकता है 60 लोग हो, बट उन 60 लोगों में से हो सकता है कि दो लोग ऐसे हों, मान ले एक का नाम नेहा एक का नाम प्रिया है, दो लोग ऐसे हों जो बिल्कुल आपको भाते हों, तो वो लोग आपके दिल के बहुत करीब हैं। ऐसे हर नंबर के करीब कोई नंबर है, हर नंबर के करीब एक नंबर है। जैसे 1 के करीब नंबर है 5 2 9, ये उनके करीबी नंबर हैं। तो बेसिकली आपका जो भी बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर है, बर्थ नंबर इज नथिंग बट जब आप अपनी डेट के फर्स्ट 2 नंबर्स को टोटल करते हो तो वो बर्थ नंबर है, जब पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके सिंगल में लाते हो तो वो आपका डेस्टिनी नंबर है। तो बेसिकली इन दो नंबर्स के करीब जो सबसे करीबी नंबर होंगे वो आपके लकी नंबर्स कहलाएंगे। उसको बैलेंसर नंबर भी कहा जाता है टेक्निकली, तो वो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट ही बता सकता है। बट ये नंबर जब आपको पता चल जाते हैं मेरे लकी नंबर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने अभी अभी एक जॉब ज्वाइन करी तो आप ये बोल सकते हैं कि मैं ना 2 दिन बाद ज्वाइन करूंगी आपको, क्योंकि वो आपका लकी डेट आ रही होगी। एंड उससे आप देखेंगे कि आपकी हाँ पूरी हाँ जॉब का टेन्योर जो है वो अच्छा हो जाता है क्योंकि आपने वो लकी डेट्स पे अच्छा ज्वाइन सर, किया है। देखिए सारे नंबर परमात्मा द्वारा दिए गए नंबर हैं, बट कुछ टाइम या कुछ नंबर ऐसे जरूर होते हैं जब आप एक्सेल करने में आपको आसानी होती है, तो ये वो लकी नंबर होते हैं जिनको यूज करके आप अपनी लाइफ को, जैसे आप किसी होटल में जा रहे हैं तो आप चूज कर सकते हैं मैं ये रूम ना लेके ये रूम ले लूं, आपको बेनिफिट, आपको अगर नंबर पता है तो आपको उसको कैसे भी मैनिपुलेट करके अपनी लाइफ में अच्छा चेंज ला सकते हो बेसिकली। तो इन शॉर्ट हम नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अपने जीवन में, अपने लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस ला सकते हैं। हाँ हम बेसिकली आप, ऑल दो अच्छा कर रहे हैं, हाँ जी जी हाँ जी बोलिए बोलिए। हाँ जी जी सर, हाँ जी, ऑल दो हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम और चाहते हैं कि हमारे लाइफ में
नेचर के साथ साथ हम चलें और नेचर हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे, तो हम उसे नंबर की हेल्प से उसे हम पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सेलरेटर की तरह काम करती है। जैसे आपकी गाड़ी 60 की स्पीड पे चल रही थी, अब आपको पता चल गया, वे विज्ञान आ गया कि मैं एक्सेलरेटर दबा सकता हूँ, तो वो आपका लाइफ का जो ग्राफ है वो एक्सेलरेट हो सकता है। डेफिनेटली एक्सेलरेटर की तरह काम करते हैं। हाँ जी ओके सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अर्थशास्त्र में जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें कौन से प्रोमिनेंट नंबर हैं जो कि लोगों को बहुत हेल्प करते हैं? लाइक एक कोई ऐसा नंबर जो जो हर टाइप के इंसान पे सूट करता है, कोई ऐसा नंबर? देखिए ये है एक बात, जैसे 5 नंबर है लोशो ग्रिड भी, अगर आप देखेंगे तो लोशो ग्रिड के अंदर 5 नंबर बिल्कुल बीच में आता है, 492 और 357 और लास्ट में 816, तो 5 नंबर बिल्कुल बीच में आता है। तो 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सबके लिए हेल्प करता है, बट अगर वो एक्सेसिव क्वालिटी में हो जाए तो देखा गया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं इंसान के, या वो इतना ऑनेस्ट नहीं रहता अपने पार्टनर के लिए। बट यस, अगर सिंगल मात्रा में 5 हो तो वो डेफिनेटली सभी लोगों के लिए कह सकते हैं यूनिवर्सली वो हेल्प करता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन और संचारकता का नंबर है। और मरकरी आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, जहाँ पे कम्युनिकेशन, संचारकता या नेगोशिएशन की बहुत वैल्यू है। तो नेगोशिएट करने में बहुत हेल्प करता है 5 नंबर, एंड ओवरऑल बैलेंस मेंटेन करता है लाइफ में। 5 नंबर इज आंसर। ओके सर, जैसे मैंने पढ़ा है आपके, मैंने सेशन देखे हैं, तो 3 टाइप के बेसिकली आप स्टडीज करते हैं। एक होती है आपके सैफायरल ग्रिड होती है, एक लोशो ग्रिड होती है, और एक पाइथागोरियल ग्रिड होती है। तो इन तीनों ग्रिड में से आपका स्पेसिफिकेशन किस में है, या फिर इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा होता है हमें अपने नंबर्स को स्टडी करने के लिए? देखिए सारी ही फील्ड बेस्ट है, कोई फील्ड ऊपर या नीचे नहीं है, बट मेरी मास्टरी जो है वो लोशो ग्रिड के अंदर है, एंड मैं सैफायरल ग्रिड भी फॉलो करता हूँ, जो की 319 और 675 और 284, ये इन तीनों नंबर से मिलके बनी है। एंड तीसरी ये जो है वो पाइथागोरियन है, बट फॉर माय वे इज लोशो ग्रिड एंड सैफियल ग्रिड। पाइथागोरियन पे भी मैंने बहुत काम किया है, बट आई कैनॉट से कि वो मेरी स्पेशलिटी है। तो तीनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, और तीनों के कुछ प्लस माइनस हैं। जैसे इंसान के पास तर्कश में सारे तीर होने चाहिए, अगर उनको तीनों का ज्ञान है तो वो ह्यूमैनिटी को अच्छी तरह से सर्व कर सकता है। जी, अब इस तरह से आपने मुझे बताया कि मरकरी के लिए 5 नंबर बहुत प्रोमिनेंट है, 5 नंबर है तो इंसान मरकरी है, मरकरी को वो प्रोमिनेंट करता है, और उससे लोगों की जो वेल्थ है, हेल्थ की ग्राफ, वो ऊपर जाती है। तो क्या कोई ऐसी रेमेडी है लोगों को? मैंने आपके मैंने सेशंस काफी देखे हैं, तो एक क्वेश्चन बहुत उठ के आता है कि सर हमारे ग्रिड में जो आपने लोशो ग्रिड बताई उसमें पर्टिकुलर ये नंबर है, तो वो नंबर मिसिंग है, तो 5 नंबर के लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं हम लोग? देखिए 5 नंबर जो बेसिकली है वो मरकरी का है, बुध का नंबर है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप जो है वो किन्नर को अपने घर बुला सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर किन्नर को भी रिप्रेजेंट करता है, एंड जो कि ना मेल है ना फीमेल है, और उनको आप घर बुला के कोई 5 ऐसी ग्रीन आइटम दे सकते हैं, जैसे ग्रीन बैंगल्स हो गए, ग्रीन क्लोथ हो गए, ग्रीन हैंकी हो गया, 5 कुछ ऐसी ग्रीन आइटम, और जो भी दक्षिणा देनी है वो दक्षिणा दीजिए। वेडनेसडे के दिन आप उनको घर बुला सकते हैं और उनको ये 5 आइटम दे सकते हैं, इससे बुध जो है अच्छा होता है। मैं आपको बता देता हूँ इसका इतिहास ये है कि बेसिकली जो जुपिटर की वाइफ है तारा जी, वो मून के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ, और जब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ तो उससे जो है वो बुध ग्रह पैदा हुए। तो बुध ग्रह जब वहां पे पैदा होते हैं, तो बेसिकली बुध ग्रह को जुपिटर द्वारा, बृहस्पति द्वारा अभिशाप दिया जाता है कि ना तुम लड़के होगे ना तुम लड़की होगी। तो वहां से वो अभिशाप हो गया, ना वो मेल प्लैनेट है ना वो फीमेल प्लैनेट है, वो बीच का प्लैनेट है, इसलिए वो बीच वाले जेंडर्स को भी प्रेजेंट करता है, मेल और फीमेल के बीच जो किन्नर होते हैं उनको प्रेजेंट करता है। तो आप डेफिनेटली कभी भी उनको रेड लाइट पे देखें तो आप उनको जरूर कुछ दें, और अगर पॉसिबल आपको बहुत दिक्कत आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं है, बैलेंस नहीं हो पा रहा लाइफ के अंदर, 5 बहुत ज्यादा प्रोस्पैरिटी की कमी है, तो आप उनको घर बुलाएं, और घर बुला के जो है उनको कोई 5 ग्रीन आइटम दें, और जो दक्षिणा दे सकते हैं दें, उनके पैर छुएं, इससे डेफिनेटली आपका बुध ग्रह जो है वो इंक्रीज होने वाला है। और आप ग्रीन पेन का रेगुलरली यूज कर सकते हैं, ग्रीन पेन लिखने में यूज कर सकते हैं, ये दोनों ही रेमेडीज आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी मरकरी को इम्प्रूव करने के लिए। सर ये हमने अपने इंडियन कल्चर में देखा भी है कि हम वी यूज टू चेरिश ट्रांसजेंडर, हम उन्हें हमारे घर में कल्चरल एक्टिविटीज में बुलाते हैं, जी कल्चरल एक्टिविटीज में बुलाते हैं, उनके हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि आपने जो रेमेडीज बताई वाकई में काम करती होंगी। एंड सर आप मुझे बताइए, आपने भी मुझे बताया कि मून के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे, तो मुझे कहीं तक लगता है कि जो मून है वो नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है, जितना मैंने आपको देखा है आपके जी, तो क्या नंबर 2 जो कि मेरा भी नंबर है,
ये नंबर क्या एक्स्ट्रा मैटर अफेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। 5 नंबर अगर मल्टीपल टाइम आ जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर अगर मान लीजिए अच्छा मल्टीपल 2, मल्टीपल 5 और मल्टीपल 6 आ जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एक अदाकारा रही यूएस की, जिनका नाम है एलिजाबेथ टेलर, उनकी 8 शादियां हुई। तो आप अगर उनका चार्ट देखोगे तो उनके चार्ट में ट्रिपल 2 है, और उनके जो नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, वो दोनों ही जो है 6-6 पे आते हैं। फर्स्ट नेम और फुल नेम है जो 6-6 पे आते हैं। तो जब बहुत सारे फीमेल प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाते हैं चार्ट के अंदर, और सॉफ्ट नंबर्स इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि 2 और 6 दोनों सॉफ्ट नंबर है और फीमेल प्लैनेट्स हैं, तो ये देखा गया है कि मल्टीपल रिलेशनशिप होते हैं। सो मल्टीपल 2, मल्टीपल 5 और मल्टीपल 6, अगर ये तीनों नंबर्स की अधिकता हो जाए, एक्स्ट्रा हो जाए ये तीनों नंबर, तो फिर डेफिनेटली हो सकता है। सिंगल 2 रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट मल्टीपल 2 विद ओके मल्टीपल 5 एंड मल्टीपल 6, वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दे सकता है। हाँ जी, ओके अफेयर होना मल्टीपल और एक्स्ट्रा, टू हाँ, अफेयर होना और एक्स्ट्रा जी मैरिटल अफेयर होना, ये दोनों अलग चीजें हैं। हाँ जी, हाँ सर, अलग चीज है। हाँ, और नेगेटिव भी है। आई मीन अफेयर इज नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल इफ यू आर नॉट इन एन रिलेशनशिप, एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज हैविंग अ वर्ड एक्स्ट्रा दैट इज नॉट फेयर। हाँ, दैट इज नॉट फेयर विद द पार्टनर। ओके सर, या दैट इज नॉट फेयर। एक्स्ट्रा टू, एक्स्ट्रा फाइव एंड एक्स्ट्रा सिक्स। हाँ जी, ओके, तो सर इससे मुझे हमें पता चलता है कि जो नंबर की अधिकता है, लाइक इफ वी आर हैविंग मल्टीपल नंबर ऑफ एनी नंबर लाइक 1, 2, 3, 4, तो दे हैव सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन आर नेचर, इन आर बिहेवियर। दे कॉज सम काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। वो हमारे हमारे बिहेवियर में कुछ अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा आपने मुझे बताया, लाइक इफ इफ समवन इज हैविंग लॉट्स ऑफ नंबर वन, एज यू टोल्ड कि नंबर वन सन को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर उसके चार्ट में कई बार नंबर वन आता है तो उसके उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, किसी भी मेल या फीमेल की? देखिए, अगर कोई बंदा मल्टीपल वन आता है उसके चार्ट में, और वो जेमिनाई है, जेमिनाई एक डुअल राशि है, तो भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। मल्टीपल वन विद जेमिनाई साइन, तो भी उसका डेफिनेटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। लेकिन जनरल कैरेक्टरिस्टिक मल्टीपल अफेयर के मैं बताता हूँ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बंदा इगोइस्टिक और एडमेंट हो जाता है, और बंदा ना किसी की बात सुनता नहीं है जल्दी से, पहले तो ये है। और दूसरा, जैसे एक मैं आपको सिम्टम बताता हूँ, अगर किसी के चार्ट में मल्टीपल वन हो और उसने आपको मैसेज किया बट आपने उसको रिप्लाई नहीं किया विद इन 10 मिनट्स और 15 मिनट, तो वो एकदम वो हो जाता है, चिढ़ जाता है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है। वो शायद अपना मैसेज डिलीट भी कर दे, या फिर आपको डायरेक्टली फोन कर दे, क्योंकि ही कैन नॉट एक्सेप्ट इट कि अच्छा उसने मैसेज किया और आप उसको रिप्लाई नहीं कर रहे, बिकॉज ही इज एडमेंट। उसका बॉस जब उसको डांटेगा तो उसका जो जीव है ना, वो चबा लेगा, मतलब उसको गुस्सा आएगा कि मेरे को क्यों डांट पड़ रही है, बिकॉज ही कैन नॉट स्टे अंडर एनीवन, क्योंकि वो सन है, सन किसी से दबना नहीं चाहता। तीसरा, मल्टीपल वन वन जो है वो वाटर एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है लोशु ग्रिड के अंदर। तो ये भी देखा गया है कि मल्टीपल वन आने से बंदा इमोशनल भी हो जाता है, यानी कि उसकी इमोशनल जो वेलबींग है वो थोड़ी सी नीचे आ जाती है, ही टेंड्स टू फील मोर इमोशनल। तो वो लीडर है, एडमेंट है, इगोस्टिक है, अपने बॉस की बात जल्दी सुन नहीं पाएगा, और यहाँ से वो जो है वो इमोशनल भी बिहेवियर शो करेगा। और मल्टीपल वन अगर जेमिनाई राशि के साथ मिल जाएंगे, जेमिनाई जोड़े के साथ मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली ये एक्स्ट्रा मैरिटल तुल्य योग है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ये करा सकता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, क्योंकि अब वो इमोशनल है, तो मल्टीपल वन आने के कारण, तो हो सकता है वो इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ कहीं बाहर देखे, इस तरह से हो सकता है। अच्छा सर, मैं रिलेशनशिप पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सर। जैसे आपने मुझे बताया कि मल्टीपल वन ऐसे भी हो सकते हैं, मल्टीपल टू, तो मेरे ख्याल में जहां तक आपने बताया कि जब हम नंबर की स्टडी करते हैं और फिर से हम दो पर्सन की बात करते हैं, तो दोनों के हम रिस्पेक्टिव नंबर्स को देख के उनके बीच में रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा, या फिर इफ दे आर गोइंग टू मैरी समडे तो उनमें वो चीजें सॉर्ट सॉर्ट रहेंगी कि नहीं रहेंगी, या फिर किसको जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे सो टू हैव अ गुड रिलेशनशिप, ये भी हम पता लगा सकते हैं। बिल्कुल पता लगा सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी के चार्ट में 5 नंबर नहीं है, अब मान लो आपके चार्ट में 5 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 1 नंबर नहीं है, ये तीनों ही नंबर नहीं है, तो आपकी कम्युनिकेशन वीक रहेगी पार्टनर से। जब आपकी पार्टनर से अपनी कम्युनिकेशन वीक रहेगी, तो उसका रिजल्ट है कि प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, मिसअंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप, उतना अच्छा नहीं चलेगा। तो 5 नंबर को पूरा करने के लिए मैंने बोला कि 5 नंबर या तो आप ग्रीन पेन से लिखिए, या घर पे बुला के किन्नर को कुछ दीजिए, या फिर बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं जो अभी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो अगर आप दोनों के नंबर्स को समझ पा रहे हो, तो डेफिनेटली आप उनके लिए रेमेडी डिजाइन कर सकते हो कि किस तरह से उनके रिलेशनशिप को स्मूथ बनाया जाए। तो ये पॉसिबल है नंबर्स की मदद से, क्योंकि जिस चीज की अधिकता है, ओके मान लीजिए सो बेसिकली यूजिंग खाने में नमक की अधिकता है, और आपने नमक को जी पहचान लिया कि नमक की अधिकता है, तो आप नमक इंक्रीज कर सकते हैं ना। ओके सो मतलब हमें हम अपने जीवन में नंबर की रेमेडीज को इनकलकेट करके वी कैन डू
फार बेटर थिंग. हाँ जी दैट्स बिल्कुल सर, दैट्स द पॉइंट. और दैट्स अ यही पॉइंट. यही हमारे आज का टॉपिक, या यही यही आज हमारा टॉपिक भी है कि हम कैसे नंबर्स को इस्तेमाल करके अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं. इफ वी हैव समथिंग बैड गोइंग इन आवर लाइफ, तो हम कैसे, बेसिकली जहां तक मैं समझ पा रही हूँ आपने जितना समझाया, कि हम नंबर को नेचर के साथ लेके आते हैं. आप कुछ नेचर के अगेंस्ट हो रहा है, आप आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप मल्टीपल थिंग्स कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब भी कुछ कुछ है जो मिस है. तो हम उस नेचर, हम नेचर के साथ जब आते हैं नंबर को इनकलकेट करके, तब हमारी प्रोग्रेस शुरू होती है. देखिए बेसिकली क्या है कि मेन ये है, मैं न्यूमरोलॉजी में आया भी इसलिए कि आप जो नंबर्स आपके चार्ट के अंदर मिसिंग हो गए, वो ट्रेड्स आपके अंदर मिसिंग हो गए. जैसे किसी के चार्ट के अंदर मान लीजिए 6 नंबर मिसिंग हो गया, तो हो सकता है 6 नंबर और 2 नंबर, तो हो सकता है कि वो मासेस को अट्रैक्ट ना कर पाए या बहुत सारे लोगों के साथ नेटवर्किंग ना कर पाए, क्योंकि 2 और 6 जो है वो नेटवर्किंग में भी एक बहुत यूजफुल उनकी भूमिका है. तो आपके चार्ट के अंदर जो नंबर मिसिंग है बेटर है, और जो नंबर प्रेजेंट है बेटर है, कोई काम करो. जैसे मैं अंकित बत्रा की बात करूं, मेरा जो बीएन है, बर्थ नंबर है वो 3 है और डेस्टिनी नंबर है जो 8 है. तो मैंने चूज किया कंसल्टेशन और टीचिंग ऑकल्ट साइंस के अंदर, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का नंबर है जो कि ऑकल्ट साइंस को भी प्रमोट करता है, 3 नंबर टीचर का भी नंबर है. तो बेस्ट वे इज कि आप अपने नंबर को समझो और उसी हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करो, ये बेस्ट वे है. बट मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, आप टीचर बन गए और आपके चार्ट में 3 और 7 नंबर नहीं है जो कि टीचर के लिए चाहिए, तो उस केस के अंदर, पर्टिकुलरली उस केस के अंदर आप रेमेडीज कर सकते हैं. तो नेचर आपको ये बोलती है कि जो नंबर आपके प्रेजेंट हैं आप उस तरह के काम करिए, मैं आपको ज्यादा सक्सेस दूंगी. जैसे आपके चार्ट में अगर अर्थ एलिमेंट वाले नंबर प्रेजेंट हैं, तो आप रियल एस्टेट में जाइए, मैं रियल एस्टेट में आपको सक्सेस दूंगी. आपके चार्ट में अगर मान लो आपको प्लास्टिक का काम करना है, प्लास्टिक फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके चार्ट में 9 होना चाहिए. ऐसे ही आपके चार्ट में वाटर एलिमेंट वाले नंबर चाहिए अगर आपको पानी का काम करना है. आपको अगर मेटल का काम करना है तो आपको मेटल वाले एलिमेंट वाले नंबर चाहिए. या मेटल एलिमेंट वाले नंबर नहीं है और आप घुस गए हो, तो आप मेटल की रेमेडी जरूर कर सकते हो, बट बेटर है कि जो नंबर आपके चार्ट में प्रेजेंट है आप उस तरह का काम करो, ये नेचर आपको बता रही है. तो दैट वी कैन डिकोड थ्रू न्यूमरोलॉजी. ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा किसी पर्टिकुलर कंपनी, पर्टिकुलर जॉब वी वांटेड, हमें हमारा उसमें हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट हो जाए, तो ऐसा रिक्रूटमेंट हो जाए, वी आर ट्राइंग आर बेस्ट और नहीं हो पा रहे हैं सब कुछ केस कुछ रीजंस की वजह से, तो वो कौन से नंबर्स है जो हमारे रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकते हैं? देखो मैं इसको ना दो तरह में बांट, दो हिस्सों में बांट देता हूँ इस प्रॉब्लम को. देखो पहला, एज अ रिक्रूटर, अगर मैं रिक्रूटर हूँ तो मेरे को ये चूज करना है कि अंजलि जी मेरे लिए सही एम्प्लॉय है या नहीं, तो वो मैं नंबर्स की मदद से देख सकता हूँ. क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी का मदद लेके रिक्रूटमेंट करी है. जैसे मान लो अगर किसी के चार्ट का, किसी का बीएन बर्थ नंबर 1 हो और डेस्टिनी नंबर 4 हो, और उसके चार्ट में 4, 3, 8 ये तीनों ही नंबर आ रहे हो, तो वो इजिली डोसाइल तरीके से किसी कंपनी में काम नहीं कर पाएगा, वो अपना सर हमेशा ऊपर रखेगा. तो एज अ एम्प्लॉई अगर मुझे चाहिए कि एक डोसाइल बंदा चाहिए, या मेरे को एक ऐसी वाइफ चाहिए जो कि आराम से फ्लेक्सिबल, मेरे को ऐसी वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए जो मेरे घर में बहुत फ्लेक्सिबली रहे, तो मेरे को वैसे ही नंबर वाला बंदा लेना पड़ेगा. तो एक हो गया, एज अ पर्सन या एज अ कंपनी मेरे को न्यूमरोलॉजी इनेबल करती है, एम्पावर करती है कि मैं वो नंबर्स वाला बंदा लूं जो मेरी रिक्वायरमेंट के साथ वो हो जाए, जेलअप हो जाए. वरना क्योंकि वो बहुत पेनफुल प्रोसेस है, आप भी जानते हैं बीइंग इन फील्ड के अंदर, एक बार बंदा अगर कंपनी में आ गया और वो नहीं टिका तो इट विल वेस्ट सो मेनी मंथ्स. तो ये एक पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट हो गया कि एज अ नेटिव अंजलि या अंकित बत्रा को कहीं जॉब चाहिए, तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि मेरे बर्थ के साथ, अंकित के बर्थ के साथ अगर वो डे का टोटल अच्छा जा रहा है, मान लीजिए आज जो है वो, मान लीजिए आज डे 22/4 अगर 2021 है आज, तो जो आज का टोटल है वो आई थिंक 5 आता है ना, अगर आज का टोटल, अगर मैं 5 नहीं, आई थिंक आज का टोटल जो है वो 4 आता है ना, जो भी आज का टोटल होगा, आज की डेट का टोटल, वो मेरे अगर बर्थ नंबर के साथ अगर मैच कर रहा है ना, जैसे मान लीजिए मेरा बर्थ नंबर 3 है और आज का जो है वो डेस्टिनी नंबर, आज की डेट का पूरे का टोटल अगर वो भी 3 आ जाता है, तो मैं आज इंटरव्यू के लिए जा सकता हूँ. इंटरव्यू के लिए एक टिप मैं और देता हूँ, शायद मैंने आपको भी दी थी, कि ब्लैक को अवॉइड करना होता है, बिकॉज ब्लैक प्रेजेंट्स सैटर्न, ब्लैक सैटर्न याद होगा आपको भी जब आपने कंसल्टेशन ली थी टाइम पे. तो कहने का मतलब है मेरा बर्थ नंबर और उस दिन का, जिस दिन मैं इंटरव्यू देना जा रहा हूँ, उसका डेस्टिनी नंबर, उस दिन का टोटल का जो सिंगल नंबर आएगा, वो दोनों अगर सिंक अप कर रहे हैं, तो आई थिंक आई कैन, मतलब इस केस के अंदर आप जाओ और आप सक्सीड हो जाओगे. ये है हमारे को सक्सीड करने के लिए एज अ नेटिव. बट कंपनी की तरफ से सोचोगे तो कंपनी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम, जस्ट कि गलत बंदे को हायर कर ले. उसके लिए वो आपका नंबर पहले ले सकती है. जैसे कुछ नंबर एचआर फील्ड में बहुत चलते हैं, है ना, कुछ नंबर टेक्निकल फील्ड में बहुत चलते हैं, जैसे 9 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, दीज आर द टेक्निकल पीपल. तो कंपनी उसी हिसाब से बंदा ले सकती है.
जैसे मेरे को ध्यान आता है मेरी कंपनी में एक बंदा था जिसका 22 का नंबर था, बर्थ नंबर 2 डेस्टिनी नंबर 2, और वो इतना स्ट्रगल कर रहा था बिकॉज ही वॉज नॉट मेंट फॉर द जॉब. उसको लोगों से डील करना पसंद था, ही वॉज वेरी सॉफ्ट पोलाइट. हाँ जी, तो ऐसा. अच्छा सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू, आपने मेरी हेल्प बहुत की है एंड आई कैन सी द पॉजिटिव चेंजेस इन माय लाइफ. ओके, आपने जो जो चीजें बताई, आई यूज टू फॉलो दिस दोस थिंग्स एंड यस, मुझे भी फील होता है, ऑल्दो आई एम अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन, मैं इन चीजों को यकीन करती हूँ, मानती हूँ एंड इसी वजह से शायद आपसे मेरी मुलाकात हुई एंड आपसे मैंने कंसल्टेशन लिया. तो एक और चीज मैं जानना चाहूंगी आपसे, लाइक आप न्यूमरोलॉजी से लोगों की हेल्प कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी से आप उनके उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आप उनको लाइफ में सेटलमेंट दे रहे हैं. तो आजकल जैसे हम सब देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक काफी ज्यादा दोबारा आ चुका है एंड इट्स अ नेशनल और वी कैन से इट्स अ यूनिवर्सल इशू एंड इस समय ये पैंडेमिक टाइम में इंसान अपनी जॉब काफी लूज कर रहा है. ठीक है, बहुत सारे कंपनीज फ्लेक्सिबल नहीं है कि वो वर्क फ्रॉम होम करवा पाए एंड बहुत सारी कंपनीज ऐसी नहीं है जो उनके फंडिंग प्रोवाइड कर पाए एंड उन्हें उन्हें जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाए. तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं कि काफी लोग अपनी फाइनेंस से ड्रॉप आउट हो रहे हैं, उनकी जो फाइनेंस स्टेबिलिटी है वो खत्म हो रही है. तो कुछ ऐसी रेमेडीज आप बता सकते हैं जिससे इंसान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को धक्का ना लगे या फिर इम्प्रूव हो सके, बेसिकली उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो सके. देखिए, ये जो ग्लोबल पैनडेमिक है ये सबके लिए ही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सेम रहे सब कुछ, क्योंकि कोरोना ने सब पे हिट किया है. बट एक रेमेडी मैं बता सकता हूँ इसके अंदर, या हाथ पे ना 319 ब्लू पेन से 319 लिख सकते हैं, बिकॉज आप सैफ्रियल ग्रिड देखोगे तो सैफ्रियल ग्रिड के अंदर ऊपर वाला जो प्लेन है वो 319 ही है. तो आप हाथ पे 319 लिख सकते हो, 319. एंड मैं ये भी कहूंगा कि बिकॉज इट्स अ नाउ चेंज, एवरीथिंग इज चेंज, तो हर किसी को अभी ऑनलाइन मूव करने की कोशिश करनी चाहिए. गैदर अ स्किल गैदर करो और ऑनलाइन मूव करने की कोशिश करो. 319 आप यहाँ पे हाथ पे लिख सकते हो, ताकि बहुत इसके मैजिकल रिजल्ट है, आप भी लिख के देख सकते हो. एंड डेफिनेटली चीजें वैसी तो नहीं रहेंगी जैसे न्यूमरोलॉजी में आंसर है, बट आप ये नहीं कह सकते कि हर चीज को आप बिल्कुल वैसा कर दोगे जैसे वो पहले थी. कोरोना के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट रिवर्ट इट. जो इतना बड़ा चेंज हुआ है यूनिवर्स के अगेंस्ट आप वैसे भी नहीं लड़ सकते हो. तो 319 दिस इज अ रेमेडी यू कैन डू इट, व्हिच आई हैव ट्राइड ऑन मेनी पीपल एंड दे गिवन मी द फीडबैक कि उनके ऊपर अच्छा काम किया. दूसरा, ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन योरसेल्फ. अगर सब कुछ ऑनलाइन मूव हो रहा है तो आप भी ऑनलाइन मूव होकर जल्दी से मूव करिए, क्योंकि हमारा खुद का इंस्टीट्यूट था गाजियाबाद में जहां हम न्यूमरोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते थे, हमने भी क्विकली मूव किया और ऑनलाइन सब कुछ मूव कर गए. सो फर्स्ट थिंग इज चेंज योरसेल्फ एज पर द सिचुएशन, क्विकली चेंज कर लो. हाँ, क्विकली चेंज कर लो. और 319 इज अ रेमेडी दैट, एंड देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज व्हिच आई कैन सजेस्ट, बट 319 इज अ क्विक रेमेडी व्हिच आई हैव गिवन. सो द व्हाट यू कैन से कि इन सारी बातों का एक सारांश निकल के आता है कि डू योर बेस्ट एंड आप करते जाइए, फॉलो करिए चीजों से, जैसे पैंडेमिक है उसे डरिए नहीं एंड अपना बेस्ट करते रहिए. अदरवाइज आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो अंकित सर तो हैं, ही कैन हेल्प यू इन एवरी फील्ड. जो मैंने कुछ रियलाइज किया है कि यू आर द पर्सन हु इज हेल्पिंग मेनी मेनी अदर्स इंक्लूडिंग मी, हु इज हेल्पिंग द पीपल टू गेट देयर life much 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 better and I'm just you know lucky one to meet you. Okay, thank you sir. My last question, thank you so much sir. Sir, last question aapse put up karna chahungi ki aapne itni sari cheeze bataye and you are doing we can say ki aap bahut acha ek cause leke chal rahe hain, aap logon ki life ko acha better karne ki koshish kar rahe hain and that is वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अपनी पॉपुलैरिटी चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वाकई में ये सारी चीजें वर्क करती हैं. मैं आपके इंस्टा पेजेस पे गई, मैंने आपके यूट्यूब को फॉलो किया एंड मैंने वहां पे देखा कि लोग वाकई में जुड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने लाइफ में चेंजेस दिख रहा है. प्लस यू आर सो ग्राउंडेड कि आपसे कोई भी बात शेयर करना, किसी के लिए भी कोई बात इन सेंस की कोई प्रॉब्लम शेयर करना लोगों के लिए बहुत ईजी है, जो कि मैंने पर्सनल भी फील किया है एंड इतने सारी चीजें मैंने आपके देखी, रिव्यूज देखे, तो मुझे पता चला. तो दैट्स द रीजन कि आई एम हियर टू टॉक टू यू एंड क्या आप मुझे बता सकते हैं कि न्यूमरोलॉजी कैसी ह्यूमैनिटी को और सर्व करती है, मींस व्हाट आर द थिंग्स दैट मेड
न्यूमरोलॉजी टू सर्व द ह्यूमैनिटी बेटर? देखो बेसिकली क्या है ना कि न्यूमरोलॉजी जो है ना वो मोर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग साइंस है कि जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति है, आप उसको पुश कर रहे हो कि आप टेक्निकली में जाओ, बहुत टेक्निकल ग्रो करो, बहुत उसको पुश कर रहे हो, बट वो बना ही नहीं है, वो तो बना लोगों से बातें करने के लिए। ऑन द अदर वे अराउंड, कोई बंदा बना ही लोगों से बातें करने के लिए और आप उसको टेक्निकल दूसरी जगह पुश कर रहे हो, तो जो जैसा है ना आप उसकी एनर्जी को वैसा समझ के उसको फिर बोलो कि तू इस प्रोफेशन के अंदर जा, तेरे को ये हेल्प करेगा, तो एक तो इस चीज में हेल्प कर सकती है। दूसरा क्या है कि जब आप नंबर्स को समझते हो, जैसे हर चीज जो है ना वो आपको लॉ ऑफ कर्मा की वजह से मिली है, यानी कि मान लो इस लाइफ के अंदर अगर आप अपने पार्टनर को चीट करते हो या मैं अपने पार्टनर को चीट करता हूँ या एक्स वाई जी बंदा अपने पार्टनर को चीट करता है, तो होगा ये ना कि नेक्स्ट बारी ना नेक्स्ट लाइफ में उसके वो नंबर्स मिस हो जाएंगे, तो वो नंबर जब उसकी लाइफ में मिस हो जाएंगे तो वो, या फिर मैं अपने अगर मान लो इन लॉस से बदतमीजी से बोलता हूँ तो मेरे चार्ट में एक पर्टिकुलर नंबर है जो मिस हो जाएगा, तो जब वो नंबर मिस हो जाएगा तो मेरे को मेरे इन लॉस कभी इज्जत नहीं देंगे, बिकॉज मैंने इस लाइफ में ऐसा किया इसलिए वो नंबर नेक्स्ट लाइफ में मिस हुए इसलिए फिर वो वैसा हुआ। तो बेसिकली अब आप वो ट्राई टू फिल अप थ्रू द एडिशनल नंबर, जैसे हमने 5 नंबर के लिए रेमेडी बताई, आप यूनिवर्स में एक एडिशनल नंबर्स के थ्रू उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हो और वो हेल्प भी करेगा, बट बेटर वे इज कि आप कर्मा ही अच्छा कर लो ताकि वो नंबर्स मिस ही ना हो और इतनी प्रॉब्लम ही ना आए, है ना। जैसे किसी का बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर अगर एंटी हो जाए, किसी का बर्थ नंबर 1 है डेस्टिनी नंबर 8 है, तो आप कितनी भी रेमेडी करा लो वो जल्दी से सुधरता नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट इज कि उसको प्रेरित करो कि अपना कर्मा को सुधारो, है ना, क्योंकि उसका नंबर उसका उसका बर्थ और डेस्टिनी बता रहा है कि उसने इस तरह के कर्मा किए थे इसलिए उसको इस तरह के बर्थ एंड डेस्टिनी मिले हैं। तो पहली चीज आप ये कर सकते हो और उसको सुकून मिलता है जब उसको पता चलता है ना कि यार मेरे चार्ट में ये नंबर इसलिए मिसिंग है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने ये काम किया था, तो उसको एक सुकून मिलता है। तो पहले आप उसको वो बताओ, दूसरा फिर एडिशनली उसको वो नंबर को फिल करने की कोशिश करो, तीसरा जो बंदा जैसा है उसको उस तरह के प्रोफेशन के अंदर जाने दो, है ना, इससे ये जो आपकी चीजें हेल्प हो जाएंगी। और जो नेम की वाइब्रेशन है, नेम की कई नेम की वाइब्रेशन इतनी खराब है कि वो इंसान को बहुत गलत चीजों की तरफ ढकेल सकती है, वो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा सकती है, जैसे मैंने बोला एलिजाबेथ टेलर का एग्जाम्पल दिया कि 6-6 का कॉम्बो था और इतने सारे मैरिज वो हुए। तो आप नंबर नेम ऐसी चीज है जो कि कंट्रोल के अंदर है, तो अगर उसके डेट ऑफ बर्थ के नंबर जैसे भी हो आप उसको एक अच्छा नेम का कंपाउंड नंबर देके उसको लाइफ के अंदर वो बंदा एक्सेल कर सकता है। तो नेम नंबर आप हमारे हाथ की चीज है, तो नेम नंबर डेफिनेटली एक ह्यूमैनिटी के लिए एक अंक शास्त्र को बहुत बड़ी अंक शास्त्र की देन है कि अंक शास्त्र की मदद से हम उसके नेम नंबर को इस तरह से डिजाइन कर दें कि उसके लाइफ के अंदर चैलेंजेस कम हो जाएं और हैप्पीनेस बढ़ जाए। तो नेम इज अ थिंग दैट वी कैन रियली चेंज, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ चेंज करना तो पॉसिबल नहीं है, है ना। और बच्चे की एनर्जी समझे, उसको गलत तरफ गलत डायरेक्शन में धक्के ना देते रहे, है ना। किसी ने बोला ना इफ यू विल जज अ फिश ऑन हर एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री देन शी विल ऑलवेज फेल ऑन योर पैरामीटर। ऑब्वियसली वो पैरामीटर उसके लिए बना ही नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए मैं एक एग्जांपल, कोई बहुत अच्छा एग्जांपल जो सेलिब्रिटीज में हो जिससे कि उन्हें समझ में आए कि what really we are talking about, ऐसा क्या है जैसे किसी ने अपने नाम में चेंज किया हो, if you know any of the actor or very prominent celebrity जिनका नाम और जिनका नाम जो है उन्होंने चेंज किया हो और तब उन्होंने अपने फिल्म में एक ऊंचाई को पाया हो। जैसे राजकुमार राव जी जो है, राजकुमार राव जी का नाम 33 पे आता है ना, अब 33 पे आता है, पहले वो नहीं आ रहा था, है ना, वो राजकुमार यादव यूज करते थे, ऐसे बहुत सारे और एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं, तो उन्होंने वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो पहले भी टैलेंटेड थे, ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आई थिंक ही पास्ड आउट, वो पहले भी टैलेंटेड थे बट वो फिर भी उन ऊंचाइयों को नहीं पा रहे थे। आपके पास सब कुछ था, उनका अभी भी उनके चार्ट के अंदर आई थिंक राजयोग भी है, 4-5-6 भी आता है, लेकिन फिर भी जो है ना वो उस ऊंचाइयों को नहीं पा रहे थे, बट जब ही मेट न्यूमरोलॉजिस्ट तो एकदम से उनका करियर जो है वो इतना बड़ा। ऐसे ही मुझे ध्यान आता गोविंदा जी का एग्जांपल, गोविंदा जी ने 9 नंबर पे लाए थे वो, है ना, 9 नंबर उन्होंने ऑप्ट किया था और उनके लिए वो बहुत अच्छा काम किया। व्हाटएवर गोविंदा इज टुडे, ही सेड इन लॉट ऑफ इंटरव्यूज बिकॉज ऑफ द 9 नंबर, ही सेड कि 9 नंबर की वजह से जो है मैं इतना ज्यादा मैं आगे आ गया क्योंकि मैंने बहुत वो किया, तो उनको 9 नंबर ने हेल्प किया। डिपेंडिंग की हर बंदे का डिफरेंट नंबर है। और आई थिंक सुनील दत्त जी जो है वो भी, उन्होंने भी आई थिंक कुछ चेंजेस किए थे एंड ही गॉट अ बिग सक्सेस। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आज की डेट में सारे लोग ही कुछ ना कुछ चेंजेस करवाते हैं अगर रिक्वायर्ड है तो। अब देखिए अभी आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने इतना अच्छा किया, दे ऑलवेज उनके पहले जो मैचेस होते थे उनका सबका 6-3-6-9 वाले डेट्स वाले दिन होते थे व्हेन दे कुड एबल टू कंट्रोल द थिंग्स। तो आईपीएल में देखो इतना ज्यादा नंबर का गेम चल रहा है, एवरीवन हैज देयर ओन न्यूमरोलॉजिस्ट, हर टीम का अपना न्यूमरोलॉजिस्ट खुद का है ना। ओके तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे यही है कि आप
अपना काम करिए, डू योर बेस्ट, आप नेचर, आप खुद को फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड योर पर्सनालिटी, अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, बी क्लियर इन योर थॉट, हार्ड वर्क करिए, एंड जब आपको लगता है कि यस आई कैन डू समथिंग बेटर, मैं इतने हार्ड वर्क में और कुछ अच्छा कर सकता हूँ, और कुछ अच्छा अचीव कर सकता हूँ, तो श्योरली वी हैव अ हेल्पिंग हैंड ऑफ अंकित सर, एंड आस्क हिम एनीथिंग एंड ही इज गोइंग टू रिजॉल्व दोस बेसिकली ना न्यूरोलॉजी, हाँ न्यूरोलॉजी इज अ हेल्पिंग साइंस, मतलब हार्ड वर्क का अल्टरनेटिव वो कभी भी नहीं, क्योंकि हम लोग आप मैं खुद भी दिन में 14-14 घंटे काम करता हूँ, फिर सब कुछ छोड़ के बैठ जाने चाहिए न्यूरोलॉजी पे, बट न्यूरोलॉजी इज अ हेल्पिंग साइंस, नॉट अ साइंस टू रिप्लेस हार्ड वर्क. यस, यही सर मुझे बोलना था कि इट इज अ हेल्पिंग साइंस, वी कैन नॉट रिलाय अपॉन कि हाँ ओके ठीक है, हम मैंने एस्ट्रोलॉजी में इतना सारा मैंने रेमेडीज कर लिया, मैंने तंत्र मंत्र बांध लिया, एंड इफ आई एम डूइंग नथिंग मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता. वी न्यूमरोलॉजी कैन पुश यू, न्यूमरोलॉजी कैन गिव यू अ वे ऑफ लाइफ, बट वो आप जब कुछ कर नहीं रहे हैं तो वो भी हेल्प नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकती. एक्चुअली जैसे वीनस, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे वीनस प्लैनेट है, तो वीनस प्लैनेट को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको क्या करना है, आप जो है ना अपने आसपास के लोगों को और नेचर को जो है ना वो ग्रेटिट्यूड ऑफर करो कि आपसे मुझे जो भी मिला आई पे अ ग्रेटिट्यूड. जैसे लोग आज की डेट में हर चीज के प्रति स्केप्टिकल भी हैं और ग्रेटिट्यूड किसी को दे नहीं रहे हैं. अब उनके पेरेंट्स ने उनके लिए कुछ किया तो बोलेंगे अरे यार क्या कर दिया इन लोगों ने, यूनिवर्स ने उनको इतना कुछ दिया बोलेंगे अरे यार क्या कर दिया, पड़ोसी वाले के पड़ोसी के पास तो इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना सेटल्ड जॉब है. तो ये जो नेचर आ जाता है ना हर टाइम उसका, इससे वीनस प्लैनेट खराब हो जाता है. तो बेसिकली प्लैनेट्स की रेमेडीज भी अगर देखोगे तो कई बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ग्रेटिट्यूड पे करना. दूसरा क्या है कि कई सारे लोग हैं वो हर टाइम आसपास के बंदे को जज करते रहते हैं, वो भी नेगेटिव सेंस के अंदर, यार तूने ये कपड़े क्यों पहन लिए, तूने ये खाना क्यों खा रहा है, अभी तो ये है. तो ये जो नेगेटिव जजमेंट है या हर टाइम टोकने वाला सिलसिला है, ये भी आपके प्लैनेट्स की एनर्जी को खराब करता है. अब अगर किसी का नेचर हो हमेशा जज करने का, तो उसका डेफिनेटली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आपको फेस होंगी. सो यू जस्ट गिव अ सिंपल रेमेडी कि यार 40 दिन तक ना तेरे को किसी को जज नहीं करना है, पॉजिटिवली बोल जिसके बारे में भी बोलना है, उसको पॉजिटिवली मोटिवेट कर, उसको हर चीज के पीछे टोक मत, जज मत कर, है ना. जैसे इंडिया में बहुत ज्यादा है, गर्ल्स को कितना लोग जज करते हैं, तो वो जजमेंटल नेचर छोड़, हर किसी को जज मत कर, और मतलब उनके साथ अगर बोलना है तो पॉजिटिव बोल, वरना मत बोल. तो दिस इज अ सिंपल रेमेडीज व्हिच इंपैक्ट योर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स को वो इंपैक्ट कर देते हैं, है ना. एंड आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को भी वो एनहांस करती है. जाहिर सी बात है कि 40 डेज तक आप किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं, एंड इट इज इन योर नेचर, तो 41 डे पे आपको खुद ही नहीं लगा कि आपको कुछ चेंज महसूस हुआ कि यार अब तक मेरा नेचर क्या था, मैं लोगों की बुराई करता था या लोगों की बुराई करती थी, एंड 41 डे पे इट इज टोटली चेंज. आप खुद में भी चेंज महसूस करेंगे और आपके अगल बगल सारी चीजें चेंज हो चुकी होंगी. करेक्ट करेक्ट. ये रेमेडी हमने बहुत लोगों को दिया है, इट गिव लॉट ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि जैसा ही आप बंद करते हो ना लोगों को ये करना, क्रिप करना, बार बार टोकना, तो इट गिव अ पॉजिटिव इंपैक्ट टू यू एज वेल. हां जी. ओके ओके सर. सो एट लास्ट आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच, आप ज्वाइन हुए, आपने तो सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और मैं अपनी तरफ से और अपने व्यूअर्स की तरफ से आपको बहुत 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 थैंक्स करती हूँ, एंड आई थिंक कि let's hope कि we are going to do more sessions together, हम और जानकारी अपने viewers को दे सके आपके माध्यम से, अपने मेरे माध्यम से. So as you told कि numerology is a helping science, it is for serving humanity, जो कि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, and I thank you for this. So नमस्ते, thank you, आपने join किया. नमस्ते, thank you अंजलि, thank you sir, thank you, thanks for calling, thank you sir.